मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो जेडी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आज हम वापस से एक लेटर देख रहे हैं। वो इनफॉर्मल लेटर है। लेटर क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर अंकल, राइट ए लेटर टू योर अंकल। राइट ए लेटर टू योर अंकल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इम्प्रूवमेंट लिखिए। प्रश्न आपने देख ही लिया है कि एक लेटर लिखना है आपके अंकल को, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इन सेकंड टर्म टेस्ट, दूसरे टेस्ट के जो आपने टेस्ट दिए थे उसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताना है। जैसे आपका लेटर किस प्रकार से शुरू होगा कि आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे 246 मोहन कॉलोनी जयपुर 23 मई 2021, डियर अंकल। ठीक है, सिर्फ आपको इतना करना है और फिर आपको लिखना है उसी तरीके से जैसे हम आपको बताते हैं। कौन सी लाइन है वो कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आई रिसीव्ड इट यस्टरडे, आई एम वेल हियर and I hope you would be well there। फिर उसके बाद आपको लिखना है you were asking me अबाउट माई सेकेंड टर्म टेस्ट परफॉर्मेंस। आई एम वेरी ग्लैड to tell you, I am very glad to tell you, या फिर आप इसको टू को अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं I am very glad telling you that I have
गॉट 96% मार्क्स इन सेकेंड टर्म टेस्ट ओनली। अब 96% लेकर आया है ये, तो कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में ओनली इंग्लिश एंड साइंस ओनली इंग्लिश एंड साइंस चैनम 54 मान लो 58 नंबर आ 60 हैं और 58 नंबर आ गए, तो 6 का भाग देंगे तो ना कितने बचे 4.0, 6×36 यानी इसके इंग्लिश और साइंस में ओनली इन इंग्लिश एंड साइंस देयर आर 9 मार्क्स। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ जैन, यानी जनवरी की लास्ट डेट से मैं लाइब्रेरी में भी जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गेट फुल मार्क्स अप टू द परफॉर्मेंस अप टू द परफॉर्मेंस यू वुड बी हैप्पी। ठीक है, रिगार्ड्स आंट, ये रिगार्डिंग पेरेंट्स, ये रिगार्डिंग आंट्स, चाचा को लिख रहा है, अंकल को लिख रहे, तो आंट को रिगार्ड एंड लव टू कजिन्स। लव टू कजिन, थैंक्स, थैंकिंग। योर सिंसियरली नेम गोलू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज लिखनी है। भाई आपने पत्र लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आपके पत्र के लिए धन्यवाद, मैंने इसे कल प्राप्त किया, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप भी वहाँ पर ठीक होंगे, ये लाइन तो आपको लिखनी है। आपको ये बोलना है
कि आप मुझसे पूछ रहे थे मेरे सेकेंड टेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। आई एम वेरी ग्लैड टेलिंग यू, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए आपको कि आई हैव गॉट 96% मार्क्स इन सेकेंड टर्म टेस्ट। ओनली इंग्लिश एंड साइंस देयर आर 9 मार्क्स। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ जैन, पिछले जनवरी की लास्ट डेट से मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। एंड नेक्स्ट टाइम, अगली बार आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा टू गेट फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स अप टू द परफॉर्मेंस। यू वुड बी हैप्पी, अब तक के परफॉर्मेंस में आप खुश होंगे। रिगार्डिंग ऑन्स एंड लव टू कजिन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। कि इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यू आर अमित लिविंग इन अजमेर और योर न्यू स्कूल, your new school is far from your hostel, ठीक है, तो write a letter requesting your father दिख रहा है आपको साफ, रिक्वेस्टिंग योर फादर दैट यू वांट अ न्यू बाइसिकल। You want a new bicycle. ठीक है, तो इस तरह आपको एक लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर ही है। कैसे लिखेंगे, बेहतर नाला रोड, अजमेर, 25 दिसंबर 2020। डियर फादर, थैंक यू वेरी मच, ये लाइन ले आपको लिखनी है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर। इससे आप अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप और भी लिखना चाहते हैं ठीक है, वरना डायरेक्ट लिख सकते हैं।
यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे थे, यू आर आस्किंग मी अबाउट अबाउट माई न्यू हॉस्टल। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डैट न्यू हॉस्टल के बारे में लिखा है कि न्यू स्कूल, न्यू स्कूल, न्यू स्कूल के बारे में। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डैट माई न्यू स्कूल बिल्डिंग इज फार फ्रॉम आर हॉस्टल। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। Which is very tired some practice with bag, with school bag. So I request you to bring me a new brand bicycle of Hero company. It must be a Ranger bicycle. As soon as possible. I am doing my study very well and getting good marks. Regarding mother and love to brother sister, with thanks yours sincerely, Amit. ठीक है, तो देखा आपने, इस प्रकार से हमने एक लेटर को लिखा। देखिए, ये तो आपका पता है, फिर डेट है माई डियर फादर, यहाँ तक तो आपको पता ही है। फिर देखो, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि
मेरी जो न्यू स्कूल बिल्डिंग है ना वो दूर है हमारे हॉस्टल से, ये करीब 4 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत थकाने वाली थकाने वाला अभ्यास है स्कूल बैग के साथ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक न्यू ब्रांड बाइसिकल लेके आओ हीरो कंपनी की, जो कि रेंजर होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। और आई एम डूइंग माई स्टडी वेरी वेल, मैं अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और बहुत अच्छे गुड मार्क्स प्राप्त कर रहा हूँ। रिगार्डिंग मदर एंड लव टू ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक लेटर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, देखिए नेक्स्ट लेटर ये एक फॉर्मल लेटर है जिसमें आप एक डायरेक्ट में लिखाऊंगा, एक लेटर है जिसको हम एक लाइन के माध्यम से, ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, आपका पता लिखिए पहले 0 लाइन कॉलोनी H124 अलवर, उसके बाद आप लिखेंगे एक डेट, उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम है MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन टू इंक्वायर अबाउट स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन किसके बारे में है, एप्लीकेशन टू इंक्वायर पूछताछ अबाउट स्कॉलरशिप SCHO LAR SHIP, ठीक है, स्कॉलरशिप। उसके बाद नीचे लिखेंगे सर किस प्रकार से शुरू करना है, कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A, उसके बाद ऑफ योर स्कूल, फिर क्या कह रहा है, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी ठीक है, जनरल कैटेगरी दिख रहा होगा क्या, नहीं, अब सही है, जनरल कैटेगरी
बट माई फादर डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, बट माई फादर डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। I am enclosing death certificate of my dear father. I am enclosing the certificate of my father's death. As rule, if a child has no father, there is there shall be a scholarship उसके बाद लिखेंगे कि विदाउट स्कॉलरशिप आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी इन योर स्कूल। आई रिक्वेस्ट यू डैट I request you to to issue a free fee certificate of my name, to issue a free fee certificate of my name for further study in your school. Thanking you overabundantly name Vinith Meena. ये विनीत ही रहने दो, आजकल बुरा मान जाते हैं लोग। तो ये तो हो गया, देखो इसको आप समझ सकते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि भाई इस स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या। तो स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगी,
कि मैं एक स्टूडेंट हूँ 10th क्लास ए का आपकी स्कूल का, मेरे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पिताजी नहीं रहे, एक रोड एक्सीडेंट मर गए, उनका सर्टिफिकेट मैं इसमें जमा करा रहा हूँ। जैसे कि रूल है कि एक बच्चा जिसके पिताजी नहीं है वो फिर उसको स्कॉलरशिप रहेगी। सो विदाउट स्कॉलर, बिना स्कॉलरशिप के तो मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। मतलब मेरी बस, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्री फी सर्टिफिकेट इशू कर दें मेरे नाम का, फॉर आगे की पढ़ाई के लिए आपके स्कूल में। आपको धन्यवाद देते हुए आपका आज्ञाकारी योर रिडेंटली स्कूल प्रिंसिपल के लिए आज्ञाकारी आएगा।